بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए और आपसे मिलकर आते करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और फरमाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान अजीम की जो आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है कि जो इबादत के लायक है, यानी जिसकी सिर्फ इबादत होती है वो अल्लाह ही है। का मफहूम ये कि जिसकी इबादत होती है वो ज़ात कौन सी है, वो अल्लाह ही है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून, अल्लाह ही पर भरोसा करें कौन, जो मोमिन है। ये मफहूम मैंने आपके सामने रखा। रब ने खुद इरशाद फरमाया कि जो भरोसा है, जो यकीन है, जो तवक्कुल है, वो अल्लाह ही पर करें। कौन करें? मोमिनीन, जो ईमान वाले हैं, तो वो अल्लाह ही पर भरोसा करें। आयत मुबारका से हमें जो सबक मिलता है और जहाँ तक कुल मोमिनीन के जहनों फिक्र को हम अगर टटोलें या उनसे सवाल किया जाए कि दुनिया के जितने भी मामलात हैं उन तमाम चीज़ों पर सबका रब की ज़ात पर ही यकीन है, उसके हुक्म के बगैर कोई काम सरंजाम नहीं होता, तो चाहे वो इंसान की शिफा की बात हो या कि उसके रिज़्क की बात हो या बिगड़े हुए किसी भी काम की बात हो या फिर औलाद की बात हो और या फिर किसी भी मुसीबत में उससे छुटकारे की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर यकीन, ईमान, भरोसा रब की ज़ात है। और ये सबका यकीन है, सबका अकीदा है कि वही ज़ात है जो सबकी परेशानियों को दूर करती है, वही ज़ात है जो सबको रिज़्क अता करती है, वही ज़ात है जो बीमारों को शिफा देती है, वही ज़ात है जो बिगड़े काम को बनाती है, वही ज़ात है जो औलादें अता करती है, वही ज़ात है जो इंसान को हर नेमत अता करती है। ये सबका यकीन भी है, लेकिन कहीं कहीं पर आकर कुछ हमारे अमलियात ऐसे तो नजर नहीं आते। इस जगह पर मैं एक और वजाहत करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे हमारे दीनी भाई हैं जो कि कभी बहुत सारी मन्नतें मानते हैं और उनका ये यकीन होता है, जबकि मैंने गुज़श्ता भी इशारा किया था कि बहुत सारी ऐसी मन्नतें हैं जो अवामी सतह पर उसे मन्नत के ज़ुमरे में लोग लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो मन्नत के ज़ुमरे में नहीं है, लेकिन लोग हैं जिन्हें मालूमात नहीं है तो वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कर लेने से एक दूसरा तबका जो कि देवबंदी और वहाबी तबका, वो ऐसा कर लेने से वो शिर्क का फतवा आयद करके इंसान को मुशरिक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि अगर कोई शख्स किसी वली
से औलाद का तालीम होता है। वो कहता है कि गरीब नवाज आप हमें औलाद अता करें, या कोई हमारा मुश्किल काम फंसा हुआ था कि हम वहाँ जाएं तो हमारा काम वो हो जाएगा, इस किस्म के ख्यालात से लोग वहाँ जाते हैं, क्या ये शिर्क है? क्या ये शिर्क हो जाएगा? लेकिन जो मैंने नाम लिया कि दूसरा तबका जो है वो फौरन उसे शिर्क का हुक्म देता है। लेकिन जो लोग इस किस्म का अकीदा रखते हैं या ऐसा ख्याल रखते हैं, तो उनका ख्याल हरगिज सरकार गरीब नवाज को रब मानना नहीं है। सरकार गरीब नवाज को कोई अल्लाह नहीं मानता है, गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं। और हर शख्स का यह अकीदा है कि जितने काम हैं वो रब के हुक्म के बगैर वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इंसान है जो उस तरीका थोड़ा उसका अंदाज बदल जाता है, उसका तरीका वो नहीं होता है, लेकिन वो इस तरीके को अमल कर लेता है। लेकिन हमें जानना चाहिए, हमें अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो मैंने पहले बताया कि ये शिर्क नहीं है, लेकिन क्या ये पकड़ वाली बात नहीं है? क्या ये एतराज वाली बात नहीं है कि हम डेढ़ हजार किलोमीटर की मन्नत मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मोहल्ले में मस्जिद है कि हम पांच वक्त की नमाज जो फर्ज है वो अदा करना नहीं चाहते, मन्नत मान लेते हैं कि पांच वक्त की नमाज जो हम पर फर्ज है वो हम अदा नहीं करते, जो रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं हम उसे अदा नहीं करते, बल्कि काम के बहाने, काम की वजह से, काम की वजह लाकर हम रोजे छोड़ देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग नफली रोजे रखते हैं, बहुत सारे लोग नफली रोजे रखते हैं। मिसाल के तौर पे ईद के बाद में छह रोजे होते नफली, बहुत सारे लोग रखते हैं। और उसके ताल्लुक से हदीसे बारका में हैं, बरकतें हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, औलवाए ने उसकी बरकतें फरमाई, तो वो छह रोजे रख लेते हैं। लेकिन जो हमारी पिछली जिंदगी में दसियों रमजान के रोजे छूटे पड़े हुए, जो बीसियों रमजान के रोजे हम पर कर्जा है, वो तो माफ नहीं होंगे, वो तो फर्ज हमने छोड़ रखा है, हम पर वो बकाया है। हम नफिल के फवायद को सुनकर हमने फर्ज जो बाकी है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे घरों में खवातीन है, उन खवातीन के ताल्लुक से ये है कि वो बहुत सारी नफली रोजे रखती हैं, कोई मन्नत की बात आई तो बहुत सारे रोजे रखते हैं, हालांकि रोजा मन्नत के दायरे में है, सबको जो मालूम है, तो उन्होंने मन्नत ही रोजा रख लिया, ठीक है रखा। लेकिन जो पिछले रोजे बाकी, बहुत सारी खवातीन को यही नहीं पता है कि रमजान में रोजे उनके छूट जाते हैं हर महीने में, यानी हर रमजान में जो उनके रोजे छूटते हैं हर रमजान में उसको भी पूरा करना, बहुत सारी खवातीन को यह मसला नहीं पता था। या पिछले रमजानों में कितने रोजे छूटे हुए हैं, ये हमेशा कर्ज है, उसका अदा करना फर्ज है, ये हम पर बाकी है। लेकिन हम किस पे गए? फजीलत पर। बेशक जो नवाफिल रोजे हैं उनकी बहुत सारी फजीलतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो नवाफिल नमाजें हैं उनकी भी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन जो हम पर अगर फर्ज बाकी है तो हम पर लाजिम है कि पहले हम फर्ज अदा करें। हम डेढ़ हजार किलोमीटर की मन्नत माने, ये वो एक पहली बात है, वो मन्नत के दायरे में ही नहीं, जो फर्ज है वो हम अदा करने से कासिर हैं, वो अदा नहीं कर रहे हैं। कभी हमने कभी हमने ये ख्याल किया, कभी हम इस बात पर फिक्रमंद हुए कि हम जो रोजे छोड़ रहे हैं, जो हम नमाज छोड़े हुए हैं या छोड़ रहे हैं, इसकी बहुत सारी परेशानियां हमारे सर हैं, इसकी वजह से बहुत सारी बरकतों से हम महरूम हैं। हजरत ग्रामीण, जहां तक यकीन की बात है, यकीन की बात, हम असल में कुरान करीम पढ़ते हैं मुश्किल से, और पढ़ते भी हैं तो वो ज़बान अरबी में है, हम उसको समझ तो पाते नहीं। और इत्तेफाक ये है कि बहुत सारे लोग उर्दू भी नहीं पढ़े, अगर पढ़े भी हैं तो उन्हें इतना वक्त नहीं कि वो कुरान करीम की तिलावत करें, या कभी कभी
हालांकि तर्जमा पढ़ के हर बात को समझ नहीं सकते, लेकिन पढ़ने के साथ जो बात समझ में ना आए वो उलमाए किराम की बारगाह में बैठ कर समझने की कोशिश करें। सूरह कहफ में रब तबारक व तआला ने एक वाक्य बयान फरमाया है, हालांकि उसमें चार बड़े वाक्यात हैं। सूरह कहफ में असहाब कहफ का वाक्य है, और हजरत मूसा और खिज्र का वाक्य है, और हजरत ज़ुल्करनैन का वाक्य है, लेकिन एक वाक्य और है जो रब तबारक व तआला ने वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन, रब ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब इनको उन दो मर्दों की बात बताइए। कुरान में किन दो मर्दों की बात के ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया? रब तबारक व तआला ने इसमें इरशाद फरमाया, मैं जब तवक्कुल की बात करता हूँ या तवक्कुल की भरोसे की यकीनी जब बात आती है, यहाँ पर एक वाकया उसी सूरह कहफ में है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए, और आने के बाद उन्होंने असहाबे कहफ और रूह के ताल्लुक से सवाल किया, रूह क्या चीज है? वयसअलूनक अनिर रूह, रूह के ताल्लुक से सवाल किया, और असहाबे कहफ के ताल्लुक से हुजूर से सवाल किया, ये असहाबे कहफ का वाकया क्या है? तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, मैं कल बताता हूं। क्यों? जो भी सवालात होते थे या बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इस किस्म के हालात पेश आते थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की जात पर छोड़ देते थे, और दूसरी रोज या उसी वक्त रब की तरफ से हुक्म आ जाता आयत कुरानी की शक्ल में या सूरतों की शक्ल में। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं बताऊंगा। तो जब जब कल हुआ तो हजरत जिब्राइल नहीं आई, अल्लाह की तरफ से इस सिलसिले में रहनुमाई नहीं आई। फिर दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, इस तरह 15 रोज गुजर गए। जब 15 रोज गुजर गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतजर हैं कि रब की तरफ से इस सवाल का जवाब आएगा तो मैं लोगों को बताता था। लेकिन 15 रोज के बाद हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये बात कही जाए, यानी कल हम बता देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कल आएंगे, ये काम कल आपका हो जाएगा। तो इसमें हजरत जिब्राइल ने रब का हुक्म हुजूर की बारगाह में लाए, आयत कुरानी की शक्ल में कहा कि अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जब ये आप कहा करें उसमें आप इंशाअल्लाह फरमाया करें, इंशाअल्लाह फरमाया करें। ये बाकायदा आयत करीमा है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हुजूर रब के महबूब दुनिया की तमाम चीजें सबसे ज्यादा महबूब जात रब की बारगाह में हुजूर की जात, हुजूर से कितनी मोहब्बत। अगर कोई काफिर हुजूर को कुछ कह दे तो जवाब रब की बारगाह से आ जाए, ये मोहब्बत है। हुजूर खामोश सुकून इख्तियार फरमा लेते हैं लेकिन जवाब रब अता फरमाता है, इतनी मोहब्बत। लेकिन रब ने क्या फरमाया? मेरे महबूब आप इंशाअल्लाह फरमा दिया करें। क्यों? इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह के चाहने से, अल्लाह के चाहने से। ये है हुजूर की चाहत, इतनी मोहब्बत हुजूर से है अल्लाह को कि कद नरा तकल्लुबा
وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها। जोहर की नमाज है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, दो रकात पढ़ा चुके हैं और फिर आसमान की तरफ निगाह उठती है, दिल में ख्वाहिश ये है कि बैतुल मुकद्दस के बजाय काबा ये क़िबला बन जाए। रब तबारक व तआला का हुक्म हो जाता है हालत नमाज में, ये मोहब्बत खुदा महबूब से हुजूर से कि मेरे महबूब आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठाना मैं देख रहा हूँ, आप अपने चेहरे को उसी तरफ कर लीजिए जिससे आप राजी हैं, जिससे आप तरगोहा का लफ्ज आए। ये नहीं फरमाया कि मेरा हुक्म है ऐ मेरे महबूब आप अपना चेहरा बदल लीजिए, बल्कि तरगोहा फरमाकर जिसमें आप राजी हैं उसी में मैं राजी हूं ये फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ क्या इरशाद फरमाया, दूसरी तरफ ये फरमाया हजरत इब्राहिम, मैं भी कल एक बात सुना रहा था, इससे पहले भी मैंने सुनाया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत सारे लोग आकर बैठा करते थे, इत्तेफाक से मलकुल मौत एक शख्स को देखते हुए गुजरे और उसके बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा क्या बात है, तो मलकुल मौत ने ये कहा कि ये जो है इनकी बस एक हफ्ते की जिंदगी रह गई है, एक हफ्ते के बाद में ये इंतकाल कर जाएंगे, इनकी रूह मुझे निकालनी है। तो वो बता के तो मलकुल मौत चले गए, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ा रहम आया कि नौजवान लड़का है और ये एक हफ्ते के बाद इंतकाल कर जाएगा, तो उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई, तो कहा जब शादी नहीं हुई काम करो फला शख्स के पास चले जाओ, वहाँ जाकर कहना अल्लाह के पैगम्बर दाऊद ने भेजा आप अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दीजिए। तो वो जाके वहाँ कहते हैं और कहने के साथ वो अपनी बेटी से उसका निकाह भी कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये भी फरमा देते हैं एक हफ्ते के बाद तुम आना मुझसे मुलाकात करने के लिए, मौका तुमको मिल गया तो एक हफ्ते के बाद आना, इसलिए कहा कि एक हफ्ते के बाद तो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी दिलजोई के लिए और उस पर रहम आया, इसलिए उसकी शादी का एक हफ्ता तो शादी वाली जिंदगी गुजर जाए, तो एक हफ्ते के बाद में वो मिलने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आगे आप बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि ये तो मरने वाला था, ये तो जिंदा है, मलकुल मौत से कोई सौ हो गई क्या? तो फिर कहा कि चलो एक हफ्ते के बाद आना मुझसे मिलने के लिए, तो एक हफ्ते के बाद फिर वो आया मिलने के लिए, पता चला कि 15 रोज गुजर गए लेकिन वो मरा नहीं, जब मरा नहीं तो फिर मलकुल मौत से मुलाकात हो गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा कि ये बताओ कि तुमने उस शख्स के ताल्लुक से कहा था वो एक हफ्ते की जिंदगी है वो मर जाएगा, वो अभी तक तो जिंदा है, तो कहा कि अच्छा ये मैं बताता हूँ आपको, आपने जब उस पर रहम किया रब तबारक व तआला को आपका ये अमल इतना पसंद आ गया कि जब मेरे एक महबूब बंदे को इतना रहम आ गया उसकी जिंदगी पर, तो मैं तो अरहमुर रहीमीन हूं, मैं तो अरहमुर रहीमीन हूं, इसलिए रब ने 30 साल उसकी उम्र बढ़ा दी है, ये रहम की बात, ये रहम की बात है। मैं ये बताने जा रहा था कि यकीन एक इंसान ये रहम है कि जब कोई बंदा ऐसा करता है तो रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो यकीन और भरोसे की बात है, बहुत सारी बातें हैं, हम अपने आप पर गौर करें कि रब की जो जात, रब का इरशाद फरमाना है, रब का इरशाद कि वअल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, कि रब पर भरोसा करें यानी ईमान वाले। आज हम इस पर बहुत कमजोर नजर आते हैं, बहुत कमजोर नजर आते हैं, अगर ये हम भरोसा कर लें आप देखिए। हाँ बाबा, अब उस बात को आप समाप्त करें जो कुरान में जिस वाक्य को रब ने बयान फरमाया है सूरह कहफ में, तो यह भरोसे की बात है। रब तबारक व तआला ने पूरी तफसील में उसके मफहूम को आपके सामने रख दिया उस वाक्य के, एक शख्स था बनी इसराइल में, वो इंतकाल कर गया, उसके दो बेटे थे और एक मोमिन था एक काफिर था, एक ईमान लाया था एक ईमान नहीं लाया था। तो जब वो बाप इंतकाल कर गया तो उसमें है कि उसमें कुछ रकम वो छोड़ गया था, तो आधा आधा दोनों लोग तकसीम कर लिए,
तो 4,000 रुपए एक बेटे के हिस्से में, 4,000 रुपए एक बेटे के हिस्से में, 4,000 रुपए जो मोमिन बेटा था और राह खुदा में उसने खर्च कर दिया, और जो काफिर था उसने अपने काश्तकारी में लगा दी। उसने अंगूर का बाग लगाया। जब अंगूर का बाग लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अंगूर के बाग में बड़ी तरक्की दे दी, बहुत तरक्की, बहुत तेजी से वो बाग में तब्दील हुआ, और बाग में खजूर के पेड़ भी निकल आए, और खजूर के पेड़ों ने अपने साए में पूरे बाग को ले लिया। उसके अलावा चारों तरफ अलग अलग फूलों के और दिगर हरियाली बहुत निकल आई। बड़ी बड़ी दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे कि कितना शानदार और खुशनुमा खूबसूरत बाग है। और बीच में एक नहर भी निकल आई, बीच में नहर हो, फिर हरियाली हो, अंगूर के गुच्छे लटक रहे हो, खजूर के बाग बिल्कुल खजूर के पेड़ हो, और उसमें खजूरें पकी भी लगी हो, और फसल बेतहाशा हो, कितना अच्छा लगेगा ऐसे माहौल में आदमी अगर पहुंचे, देखे, बैठे, तो लोग आते थे देखने के लिए। एक दिन उस काफिर भाई ने उस दूसरे जो मोमिन था उसे हाथ पकड़ा और आओ मैं तुम्हें अपना बाग दिखाऊं, तो लेके चला जाता है बाग में, ले जाकर वहां क्या देखो कितना शानदार मेरा बाग है, कितना शानदार है, और ये तो बहुत शानदार है, और ये मेरी मेहनत का सफल है, तुमने अपने पैसे तो सब बर्बाद कर दिए, इधर उधर तुमने पता नहीं क्या कर लिया, और ये देखो मैंने उस पैसे को ऐसे लगाया कि वो बहुत शानदार बाग, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी काविश है। देखा, देखने के बाद मैं कहा कि ऐसा बाग मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मर जाऊंगा, एक तो पहली बार ये बाग इतना शानदार है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कभी खत्म भी नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात उसने कही कि मुझे ये भी लगता है कि मरने के बाद मुझे ऐसे ही बाग फिर मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसने दो बातें कही, कहा कि एक तो मेरा बाप कभी खत्म नहीं होगा, और दूसरी बात कही कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे बाप फिर ऐसे ही मिल जाएगा। तो वहां से इनके गुर्बत पर उसने मजाक उड़ाया, कहा तुम इस किस्म के बाप आ सकते हो, आप समझ सकते हैं कि एक अमीर तरीन शख्स और फिर उसके अकायद और नजरियात से मिलते ना हो तो फिर वो तंजिया जुमले कलिमात कैसे हो सकते हैं। तो वो जो भी उससे हो सके उसने काफी तंज किया, लेकिन बाग से निकलने के बाद उस मोमिन शख्स ने उससे कहा तुम खाम ख्याली में हो, तुम ख्याली बात कर रहे हो, तुमको जानना चाहिए, और तुमने जो बात कही तुमको ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि तुमको ये कहना चाहिए अल्लाह के करम से ये बाग है, मैं जिस रब को मानता हूं, जिस जात को मानता हूं, वो चाहे तो दम में इसे खत्म कर दे और दम में मुझे अता कर दे। ये उसकी जात है, वो बड़ी ताकत वाली जात है, उसी ने तुम्हें दिया है, और तुम उसका नाम भी नहीं ले रहे। इतने शानदार ये तमाम चीजें उसने बार बार याद दिलाया, रब ये उसी के चाहने से हुआ है, वो अगर चाहे तो ये तूफान आ जाए, वो चाहे तो बिजली गिर जाए, वो चाहे तो अभी है कल ना हो, इस तरह तमाम बातें उन्होंने बताई। उसके बाद मैं कहा कि जाओ, तुम्हें अपनी दौलत मुबारक को मैं अपने घर चला रब के जिक्र के लिए, तो चला जाता है। लेकिन दूसरे ही रोज सुबह सवेरे जब वो शख्स अपने बाप को जाता है, वो देख के हैरत और ताज्जुब में पड़ जाता है। वो हैरत और ताज्जुब क्या कि वो बिजली गिर चुकी थी और पेड़ पौधे जल चुके थे, सब खाकिस्तर हो चुके थे, नहर सूख चुकी थी, फल तबाह हो चुके थे, तमाम चीजें बर्बाद हो चुकी थी। ये रब के ताल्लुक से अल्लाह रब्बे कदीर ने खुद इरशाद में बयान फरमाया वा गरीब लहु मसला रजुलैन, कि उन दोनों मर्दों की बात लोगों को बताई जाए। एक तरफ यकीन रब पर भरोसा, अगर जिस शख्स ने रब पर भरोसा न किया वो इस तरह तबाह हो सकता है, और जो रब पर भरोसा जो कर लेता है, मालूम है क्या से क्या हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती है, और आने के बाद वह कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये मेरा बेटा है और मेरे मैके वालों ने और मेरे ससुराल वालों ने सबने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? कि मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरे बेटे ने कलमा पढ़ लिया। लिहाजा मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ कि आप मुझे कबूल फरमा लें, आप अपने घर में रख लें। मैं औरत जात में कहाँ जाऊँ? मैं आपके घर में जो अजवाज मुतहरात हैं मैं इनकी खिदमत करूँगी और जो घर के दीगर काम है ये मेरा बेटा है ये कि अंजाम दिया करेगा जो आप हुक्म फरमाएंगे। यानी गोया कि हमें कनीज बना लीजिए, मुझे नौकरानी और इनको नौकर बना लीजिए, हम कहाँ जा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और उन्हें अपने घर में बतौर खादिम कबूल फरमा लिया। वक्त गुजरता रहा, चंद दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद वो उस लड़के की तबीयत अचानक खराब होती है और जब तबीयत खराब होती है तो इस कदर तबीयत खराब होती है उसका इलाज किया जाता है लेकिन उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है। उसका इंतकाल हो गया, जब इंतकाल हो गया माँ उस वक्त घर पर नहीं है। लोगों ने हुजूर के बारगाह में इत्तला दी, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो लड़का है वो इंतकाल कर गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, उसे देखते हैं और देखने के बाद आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि मेरे घर में शख्स था और इंतकाल कर गए। उसके बाद में फरमाया, हुक्म फरमाया कि जाओ उसका इंतजाम करो। कुछ सहाबा उठे इंतजाम करने के लिए तजहीज व तकफीर के ताल्लुक से लेकिन हुजूर ने रोक दिया और कहा रुक जाओ, जाओ इनकी माँ को इत्तला दो और उन्हें बुला लाओ। जाकर माँ को लोगों ने इत्तला दिया तुम्हारा बेटा न रहा। माँ सुन के तो जमीन पे आ गई कि दुनिया में मेरा कोई नहीं था, एक बेटा मेरा सहारा था खूनी रिश्ते के दीवार से और वो भी चल चल लेकिन किसी तरह वहां से अपने बेटे के पास आती है। आने के बाद पेशानी को चूमती है, उसके पैरों को चूमती है और अपने सीने से लगाती है और उसके बाद रोते हुए फिर वहां से उठती है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था लोग देख रहे थे, जो अभी अफसुर्दा था अब अफसुर्दा नहीं है। वो खातून वहां से उठती है और जब उठती जब आई थी उसके चेहरे से गम के आसार टपक रहे थे, नुमाया हो रहे थे लेकिन अब जब वहां से उठती है अब उसके चेहरे पे गम नहीं है। वहां से उठती है गोया कि उसने कबूल कर लिया कि जो रब की मर्जी उसी पर हम खुश रब के बारगाह में वो सजदे में गिर जाती है और क्या तड़प के रोती है और कहती है बारे ला तेरे इल्म से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है और जो भी तू करता है वो सब बेहतरी के लिए करता है और उसी में हम राजी भी हैं। लेकिन ऐ अल्लाह तेरी रहमत कितनी वसी है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। तेरी कुदरत कितनी बड़ी है जो हम अपनी जबान से उसकी तारीफ कर भी नहीं सकते, उसकी हद वो तो लामहदूद है। ऐ बारे अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू सब कुछ है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू ही जिंदगी अता फरमाता है, तू ही मौत देता है। लेकिन अगर मुझ पर करम हो जाए कि तेरी रहमी करीमी हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा तेरी बारगाह में चला गया तेरे हुक्म से, मैं चाहती हूँ कि तेरा ही हुक्म हो जाए, वो मेरा सहारा बन के इस दुनिया में फिर से वो जिंदा हो जाए। जब वो तड़प कर कैसे अल्फाज होंगे, क्या दर्द होगा, कितनी रिक्कत होगी जब वो दुआ करती है बेटा मरा हुआ बेटा उठ के बैठ जाता है, कैसी सी तड़प होती है। आज आज हम रब के बारगाह में रोते नहीं, आज हमें मन्नत जो शरई नुक्ते नजर से दुरुस्त भी नहीं है वो मन्नत मान के कि साहब वहां हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेटा मर जाएगा। अगर किसी ने ये मन्नत मान ली है कि मुझे मुहर्रम में ताजिया रखना है, अब पता चला कि अगर नहीं रखा अगर कुछ हो गया, देखा मैंने पहले कहा एक नहीं अगर ढूंढ लिया जाए 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे जवाब देंगे कि देखिए उन्होंने वो मन्नत मानी थी, उन्होंने ताजिया नहीं रखा, उनके आगे हो गया, इसी साल नहीं रखा था इसी साल हो गया, एक साल भी नहीं निकला ये हो गया। आप खुद बताइए ये जो हादसाती मौतें हो रही हैं
आप देखें अचानक मौत हो रही कि नहीं, आदमी को पता नहीं। अभी मैं बात चल रही थी, मैं आपको बताऊं कि अभी आज ही रात की बात है, मदरसा हनफिया जियाउल कुरान बड़ा चांदन, आप लोग जानते हैं मशहूर मदरसा है, वहाँ एक नहायत ही मेहनती और अच्छे शानदार कारी कारी गुलाम गौसुल वरा साहब, अचानक आज ही रात को उनका इंतकाल हो गया। अचानक, कोई तबीयत खराब नहीं थी उनकी, और सिर्फ रात में वो मदरसे से अपने घर गए हुए थे देहात और संत कबीर नगर के रहने वाले, तो वहाँ पर रात में 3 बजे करीब उनको कुछ तबीयत खराब हुई। उनके बड़े भाई कहीं दवा ला के दिए, दवा खाने के बाद में कहा कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर चंद यानी 1 घंटा भी नहीं गुजरा इंतकाल कर दिया। ये जो आजकल जो आप ये सुन रहे हैं, ये कौन सा मन्नत मान रखी थी, जो मन्नत पूरी नहीं की थी तो मौत आ गई, कोई बता सकता है? इतना हमारा ईमान कमजोर हो गया है। आज सरकार इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम आयद करते हैं, ये इल्जाम है कि अगर कोई ताजिया नहीं रखेगा तो मौत आ जाएगी, गोया कि हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला ने मार दिया। ये आए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए? ये कितनी गलत बात है। रब पर हमको छोड़ना चाहिए, रब पर। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला कि तवस्सुल से हमारे बिगड़े काम बन जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाए, उसके बाद भी तवक्कुल रब से ही होनी चाहिए। रब से ही जो करता है वो रब करता है, रब की इजाजत से हजरत इमाम अली मकाम हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर रब की इजाजत नहीं होगी तो कोई भी नहीं फायदा पहुंचा सकता। ये हमको अकीदा होना लाजिम है, कुरान अल्लाह ही फलियतवक्कल मुमिनून, अगर ऐसा हमने अकीदा नहीं रखा तो कुरान के खिलाफ, जो कुरान के खिलाफ तो फिर वो मोमिन नहीं रहेगा। ये जो दूसरे लोगों को मौका मिलता है कुफ्र और शिर्क लगाने फतवा लगाने का, जो वहाबी और देवबंदी हो, इन्हीं वजूहात से इन्हीं बुनियाद पर कोई शख्स, मैं कहता हूं अब अपने घर से बगैर चप्पल पहने हुए अब मस्जिद नहीं आ सकते, बगैर चप्पल पहने हुए मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को आप टहलते रहते हैं, आप यकीन कीजिए रब की बारगाह में। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला 10,000 की फौज लेके जब पहुंचे, जब दरियाए नील के पास पहुंचे, और वो दरिया का नाम मैं भूल रहा हूँ, जब वहां पहुंचे हजरत ग्रामी देखा कि सामने दरिया है, उस तरफ हमें जाना है, कुफार मुशरिकीन ललकार रहे हैं, और कहा कि ये दरिया हमारा रास्ता रोके, हम रब पर भरोसा करते हैं। लोगों से कहा कि ऐ लोगों अपने घोड़े को इसी पानी में दौड़ा दो। 10,000 एक दो नहीं, 10,000 फौजी लश्कर को लेकर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला वो दरिया में पानी में दौड़ते हुए उस तरफ चले गए। मालूम है जाने के बाद में एक सहाबी कहते हैं कि मेरा वो एक झोला गिर गया पानी में, एक बटुआ गिर गया है। बताइए, एक तो नदी पार कर गए लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि बटुआ मेरा गिर गया है। तो हजरत साद ने भी वकास रजी अल्लाह तआला ने उस नदी से कहते हैं, उस दरिया से कहते हैं कि जब तू ना हम यानी हिफाजत पार कर दिया है, ये बटुआ लेके क्या करेगा, तो वो भी दे दे। तो पानी की उस लहर उसको भी ला के दे दिया। पानी पर हुकूमत हो सकती है लेकिन जब आप यकीन हो, भरोसा हो, तवक्कुल हो रब पर, तो रब ये सब कुछ अता फरमा देता है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू कम कर पाते हैं, आज हम फवायद बयान करते हैं दूसरी चीजों की, बिल्कुल हैं, लेकिन हम इसको कब समझेंगे कि रब पर कितना हमको भरोसा करनी चाहिए, नमाज पर कितनी भरोसा करनी चाहिए, सब के जरिए से हमको रब से मदद चाहिए, नमाज के जरिए से हमको रब की बारगाह से हमको मदद चाहिए। ये तवक्कुल, ये मदद, ये इस्तेआना, ये तमाम चीजों को हम भूल गए हैं। हमने अलग अलग रास्ता ढूंढ लिया। बिल्कुल औलिया कामिलीन की बारगाह में जाना सवाब, उनकी बारगाह में हाजिरी देना सवाब, हर एतबार से नियाज कराना सवाब, फाता कराना सवाब। आज अगर मैं कह दूं ये लफ्ज, लोग शायद माने कि साहब आप 10,000 का ताजिया रखते हैं, 20,000 का रखते हैं, तो आप किसी मदरसा या मस्जिद या किसी गरीब, आप इसको दे दें,
अल्लाह के नाम पे दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भाई मस्जिद बनाएंगे अल्लाह ही के नाम पे, तो अल्लाह ही का घर है ना। अब रब के नाम पर दीजिए, रब के नाम पे। कुर्बानी के मौके पर अगले जुमा इंशाल्लाह ये गुफ्तगू होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हर साल दो जानवर आप कुर्बानी फरमाते थे, एक अपने नाम से, एक कुल उम्मतियों के नाम से, जो कुल उम्मती उसके नाम से। तो उम्मती उम्मती नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। और जो राह खुदा में लोग खर्च करते हैं, जो कहते हैं अल्लाह नाम बकरा जा रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए। और बोलियों के नाम पर भी आप खर्च कीजिए, बोलियों के नाम पर खर्च कीजिए, लेकिन लगाइए, किसी को खिलाइए, किसी को पहनाइए, इस तरह इसको बेकार मत कीजिए। ये कहने का मतलब है, हमारे यहाँ कोई यानी इस्लाम में ये ऐसा नहीं कि वो पैसा आप बर्बाद करें, किसी के काम ना आए, बल्कि हमेशा यही है कि आप उस रास्ते में खर्च करें कि जो दूसरों को काम आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, बार इलाम तमाम लोगों को अच्छी और सच्ची बातों पर अमल कर रहने की तौफीक अता फरमाएं। और एक चीज़ आप पूछ सकते हैं या लोगों के जहन में बात होगी कि आज एक तारीख है या नहीं, चांद निकला या नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों को मालूम हो सकती है और बहुत सारे लोगों को नई मालूम हो सकती है। हकीकत यह है, शरई नुक्ते नज़र से लखनऊ और उसके करीब करीब बहुत सारे अजला में चांद देखा नहीं गया है, लेकिन दूर दराज चांद देखने की खबर है। और मुमकिन है कि वो शहादत कुछ दिनों में आ भी जाए, इसलिए कि 10 दिन का फ़र्क होता है, 10 दिन का यानी वक्त होता है, तो इसमें शहादत आ सकती है। लेकिन अभी फिर वक्त जो है यहाँ पर चांद देखने की शहादत नहीं मिली है, लेकिन आ सकती ऐसा लगता है। लेकिन शरई एतबार से यही बात बताई जाएगी, जो है वही बताया जाएगा। हम बाकायदा ये नहीं कह सकते कि आज पहली तारीख है, ये हम कह नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं कि 30 तारीख है, लेकिन हाँ आगे चल के ये बात बदल सकती है और वही हो सकता है। और दूसरे लोगों के एतबार से उन्होंने चांद का ऐलान कर दिया है और होगा यही, इसलिए शहादत इंशाल्लाह आ जाएगी दूर दराज से। इस एतबार से आज को उस वक्त जब आ जाएगी, फिर आज को पहली तारीख के एतबार से शुमार किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल क़दीर की बारगाह में दुआ है, बारे तमाम लोगों को अच्छी बातों पर हम लोग।